हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनके एक्शंस क्या हैं आपके लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, ये जब भी आपके सामने आएगी ये तभी आपके लिए होगी, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए तहे दिल से आपको थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, मैं कॉल्स पिक नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और एक बात और मैं बता दूं, मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट में कि क्या फीलिंग्स जो है चेंज होती रहती हैं। यस, डेफिनेटली फीलिंग्स जो हैं चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे मैटर आपकी लाइफ में एक दूसरे के साथ रहेगा, देखिए जैसे आपकी फीलिंग्स चेंज होती रहती है, कभी आप गुस्सा हो जाते हैं, कभी आप अच्छा फील करते हैं, वैसे ही फीलिंग्स भी चेंज होती हैं, ठीक है ना। तो फीलिंग्स जो हैं चेंज होती हैं, इसीलिए हम करंट फीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की पार्टनर की फीलिंग क्या है मकर राशि वालों के लिए। थैंक यू मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मकर राशि वालों के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, ऑल कार्ड्स आर वेरी गुड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ ओके ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून का कार्ड। देखिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द मून कार्ड भी है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं, या आपके, मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप में कोई तकरार आई हुई है, डिस्टेंस हुआ पड़ा है, या आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त पे, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रही है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन वो कोई भी हो सकता है, कोई मदरली फिगर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसके बच्चे हों, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं,
और जो आपके पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है और वो बहुत अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में। एक इस समय जैसे कहीं पॉज मूवमेंट पे आए हुए हैं, ना आगे ना पीछे हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं, अटके हुए हैं एक सिचुएशन में और बहुत ही उनको टेंशन है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ रहे हैं आप। तो उनकी लाइफ जो है, मैं ये बोलूँगी कि इस समय बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है और वो इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन में से अब बाहर निकलना चाहते हैं, या जो भी ये ट्रबल्स हैं या जो भी सिचुएशंस हैं उनसे अब ये बाहर निकलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन वो कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि जो थर्ड पर्सन है, जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई मदरली फिगर हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी लेडी जिनके बच्चे हैं, ठीक है, अभी वो कोई भी हो सकती हैं, आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊँगी, वो आप खुद देख लीजिएगा। तो ये कोई ऐसी लेडी है जिस वजह से वो इस सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आगे दिखाई दे रहा है कि वो अब इन कुछ चीज़ें हैं पास्ट की, उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट्स वाई हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हमारे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वो अब इन सिचुएशन से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, अब अपनी सिचुएशन को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है अब उस सर्कल को वो ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ में घूमते जा रहे हों, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, अगर किसी और, अगर कोई मदर नहीं है, अगर कोई और लेडी या कोई और मेल है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है बस उस इन्हीं चीज़ों में घूमते जा रहे हों, तो वो अब इस सिचुएशन को जो है लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है, और अब एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमारे पास एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे कि जैसे कि आपके पर्सन ने मन ही मन जो है कोई डिसीजन ले लिया है और अब वो आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है, देखिए ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, ये ट्रेवल का भी कार्ड है। अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में है तो हो सकता है वो आपसे बातचीत करने आए, आपसे चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात, थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी, जैसे कि हम यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी देख रहे हैं, ये एक पर्सन है, एक लेडी है और एक बच्चा है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे बच्चा बच्चे भी, वो एक कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जिसके बच्चे हों। तो ये पर्सन जो है इस लेडी को और उस बच्चे को लेकर के किसी स्थिर जगह पे जा रहा है, समझ रहे, जिसमें कि उथल पुथल नहीं है। तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं और जो भी है वो कम्युनिकेट करेंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके क्लियर करना चाहते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, कार्ड्स तो बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं कि वाओ, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, है ना। लेकिन उनके पीछे की एनर्जीज क्या आ रही हैं डिपेंड वो करती है, ठीक है ना, जैसे कि शुरू में मुझे देखते लगा था। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए। तो ऑल इन ऑल वो यहाँ पे अपनी परिस्थिति को जो है चेंज करना चाहते हैं, अब वो इस साइकिल में बार 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 पिसना नहीं चाहते, इस सर्कल में बार बार पिसना नहीं चाहते, अब वो इससे मूव ऑन कर रहे हैं और पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन में वो स्टक है उन्हें लेट गो करके अब वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी वो देखिए अब वो लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे थर्ड पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सबके लिए एक चीज़ नहीं होती है, वो डिपेंड करता है। अभी ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव है आपके लिए या नेगेटिव है, ठीक है। तो देखते हैं उनके एक्शन, मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनके एक्शन क्या रहेगा। टू कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी,
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मकर राशि वालों के पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके वन मोर प्लीज, थैंक यू। सी एज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए यस, देखिए उनके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करने आएंगे आपके पास, उनके उनका एक्शन भी यही रहने वाला है, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें कट करके आगे बढ़ना, ठीक है। अभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो बहुत ही मैं ये बोलूँगी कि उनमें कोई इस चीज़ को लेकर के झिझक नहीं होगी, वो बहुत इस चीज़ को लेकर के स्ट्रॉन्ग है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर के ये एक्शन होने वाला है। तो ये थे कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।